जनपद जालून के कोंच के ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव में शनिवार को धनुष यज्ञ व परशुराम लक्ष्मण के संवाद की लीला का अत्यंत मनमोहक मंचन किया गया। रामलीला मंचन में भगवान राम महाराज जनक के प्रण को पूरा करने के लिए जैसे ही धनुष को भंग करते हैं, वैसे ही पूरा दशहरा पंडाल तालियों और जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो जाता है। माता सीता द्वारा भगवान राम के गले में वरमाला डालते ही नगरवासी पुष्प वर्षा करते हैं। दूसरी ओर भंग की टंकार सुनकर महर्षि भगवान परशुराम सभा में आ जाते हैं। महाराज जनक से धनुष भंग होने का कारण पूछते हैं। इस दौरान परशुराम और लक्ष्मण का तीखा संवाद होता है। बाद में राम द्वारा परशुराम के धनुष पर प्रत्यंचय चढ़ाने के बाद परशुराम को ज्ञात होता है कि भगवान श्री राम श्री विष्णु के अवतार हैं और वो सभा से चले जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध रामलीला महोत्सव कोंच में धनुष यज्ञ लीला का कलाकारों ने बहुत ही सुंदर मंचन किया, जिसमें राम का किरदार देवांश दूर्वार, लक्ष्मण ऋषभ रावत निभा रहे थे। राजा जनक रमेश तिवारी बने हुए थे।